अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है फहद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फहद रिएक्शंस। केमन आचन बंधुरा अमी आशा करी अपन आरा सबाई भाला आचन। दोस्तों मैंने ये ट्राई की है आपसे बंगाली में बात करने की थोड़ी सी, फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो मैं उसके लिए आपसे माजरत चाहूँगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो है शमीर डिशु चाय बाय तबीब एंड ड्रामा गली बॉय बंगला हिप हॉप सॉन्ग 2020। तो दोस्तों इस सॉन्ग की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस पर रिएक्शन दें और मैं उनका नाम मेंशन करना चाहूँगा। उनका नाम है पेंगुइन टीवी था, उससे वो बार बार मुझे एक मैसेज कर रिकमेंड कर रहे थे कि आप इस वीडियो पर ज़रूर रिएक्शन दें, तो मैं इस वीडियो पर रिएक्शन देने आया हूँ। सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो और अमी आशा करी कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो गाइस लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। और ये वीडियो जो है वो रोहिंग्या के मुसलमानों के ऊपर बनी है जो कि बांग्लादेश में रिफ्यूजीज के तौर पर रह रहे हैं, इनको कोई वहाँ पे राइट्स नहीं मिले। उन बच्चों ने क्या बिगाड़ा यार किसी का, क्यों उधर मुसलमानों पर इतना जुल्म किया जा रहा है? हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए इसके ऊपर। रिफ्यूजी वगैरह ना बहुत ही मुश्किल काम है इस दुनिया में। आपको ये बताया जाता है आप अजनबी हो। लाइफ इज नॉट द गेम ऑफ टॉम एंड जेरी, इसी वजह से इनके पास स्टोरी है। लाइफ इज गिफ्टेड बाय द क्रिएटर। মানুষের হাসি দেখে প্রকৃতি গুছাবে দু সামনের বিশ্ব চাই। इक्वल लाइफ चाहिए, इक्वल एजुकेशन चाहिए यार। यहाँ एक बात कहना चाहूंगा कि इक्वल राइट्स का हर एक को हक मिलना चाहिए, चाहे एजुकेशन है या ह्यूमैनिटी है या इक्वालिटी है या किसी भी चीज़ में, हर बंदे को इक्वल राइट देना चाहिए। और ये सॉन्ग में बेसिक बात ही इक्वल राइट्स की गई है और उनको एजुकेशन के लिए बात की गई है, तो ज़रूर हम इसके लिए आवाज़ उठाना चाहेंगे, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आवाज़ उठाना चाहेंगे। जो जो मुझसे एग्री करते हैं वो कमेंट्स ज़रूर करें। अधिकार तुम्हारा और हमारा अधिकार है ये। We want a world of equality. इंटरनेशनल की तरफ से ये सॉन्ग था।
यार सॉन्ग में बहुत सही मैसेज दिया गया था दुनिया को, पूरी को, बल्कि म्यांमार को दिया गया था, जिन्होंने उधर से उन बच्चों को निकाल दिया, उन मुसलमानों को निकाल दिया जिनसे वो नफरत करते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, उनको भी पूरा हक है, वो भी सिर्फ एजुकेशन मांग रहे हैं, वो इक्वल राइट्स मांग रहे हैं, वही राइट्स मांग रहे हैं जो आपको मिले हैं, वही राइट्स इनको चाहिए। तो आप मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उनके लिए आवाज़ उठाना चाहेंगे रोहिंग्या के बच्चों के लिए? अगर हाँ तो मुझे कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दुनिया के कोने कोने तक ये वीडियो पहुँचे और लोगों को पता चले कि रोहिंग्या के मुस्लिम जो बच्चे हैं वो क्या कहते हैं, जो रिफ्यूजीज हैं जो बांग्लादेश में रहते हैं उनकी क्या सोच है, वो क्या चाहते हैं, वो एजुकेशन फॉर ऑल चाहते हैं, वो इक्वालिटी चाहते हैं, वो इनजस्टिस नहीं चाहते, वो जस्टिस चाहते हैं। तो आप सबको उनकी आवाज़ बनना होगा। फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है? और बस, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।